हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस ट्रिप में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की मॉर्निंग की फीलिंग्स, आपके लिए वो क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए। ठीक है, देखिए क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देखो नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे आपके लिए उस टाइम रीडिंग रेजोनेट करेगी। यस, इस वक्त आपको इस वीडियो को लाइक करना है ताकि आपके एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कैंडल पर फोकस करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, आपके पार्टनर का हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करें और उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। एकदम रिलैक्स, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की इस वक्त की मॉर्निंग की फीलिंग्स बताएं। ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, ट्रू मैसेज दीजिए। एकदम रिलैक्स, एकदम पॉजिटिव, एंड तक आपको पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, ब्लैक, ब्लू, रेड और येलो जिन लोगों ने वेयर किया है या आपके पास हैंकी भी है, ठीक है, ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल है। हो सकता है कि इनके मम्मी पापा हैं, बहुत डट के सामना कर रहे आपके पर्सन इनके मम्मी पापा का आपके लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए। ये पर्सन बिल्कुल भी आपको डिस्टेंस नहीं देना चाहते, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही को अपना बनाना चाहते हैं। ये किसी और के बारे में सोचना भी मतलब इनके लिए तकलीफ होती है इस पर्सन को। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन करंट में दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको बता रहे कि आपके होता है ना, आपको डाउट आता है आपके पर्सन के ऊपर कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। जैसे कि अगर इन्होंने आपको बोला है कि हाँ मैंने अपने घर वालों से परमिशन मांगी है हमारे शादी के लिए, वो करंट में तो मना कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी मैं उनको मना लूँगा, लेकिन आपको ये बात झूठ लगती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने अपने घर वालों से बात की ही नहीं है, बस आपको जो कि हवा में लटका के रखा है और झूठ बोल रहा है। और कभी भी ये पर्सन आपको चिट करके जा सकता है। ऐसी वाइब्रेशंस आपको इनकी तरफ से फील हो रही है और जो इसकी वजह यही है कि ये पर्सन आपसे मतलब झूठा दिखावा कर रहे हैं, जिस वजह से एनर्जीज़ा पिक कर रहे हो। ठीक है, ये आपसे आधे से ज़्यादा झूठ बोलते हैं लेकिन उस झूठ में आपका कुछ गलत नहीं है, इतना तो पक्का है। उनके इंटेंशंस कुछ और है आपसे झूठ बोलने के, लेकिन आप होता है ना, आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, इस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका मतलब इनके ऊपर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, इनको लग रहा है कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, तो आपको अंधा होना चाहिए, आपको इनसे बेपनाह प्यार करना चाहिए इस पर्सन को। ये पर्सन जो भी बोले, अगर आपको कोई टैबलेट देता है खाने के लिए, अभी जैसे कि विटामिन की गोली है कहकर, तो आपको खा लेनी चाहिए। आपको ये नहीं पूछना है क्या सच में विटामिन की गोली है या कुछ और तो नहीं, आपको डाउट नहीं लेना है, इतना आपके ऊपर, इतना आपका इनके ऊपर भरोसा रहना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन को करंट में आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज नहीं आ रही है। इनको लग रहा है कि पहले जैसा आप ना तो इनके ऊपर भरोसा करते हो, और हो सकता है कि आप इनके ऊपर करंट में ब्लेम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। जैसे कि थर्ड पार्टी, आपके ये पर्सन थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, आपको चीट करते हैं और किसी और से मिलते हैं, आपके अलावा या किसी और से चैटिंग करते हैं, आप इनके ऊपर ऐसे ब्लेम करते हो, जिस वजह से ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। यस, रीयूनियन करना है। इस पर्सन ने अगर आपको बोला है ना कि इन्होंने अपने घर वालों से आपके लिए बात करी है, तो इन्होंने सच में करी है। हो सकता है कि इनके घर वाले सच में नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप जो यकीन नहीं कर रहे हो ना, इस वजह से आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है आपको लेके। इनको लगने लगा है कि अगर अभी यह हाल है तो पता नहीं, अगर गलती से मेरे घर वाले हाँ बोल भी देते हैं और अगर हमारा शादी हो भी जाता है, आप बहुत ज़्यादा बदल जाओगे, क्योंकि करंट में भी आपकी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा चेंजिंग वाली एनर्जी, बहुत बदल चुके हो आप। आप पहले जैसे नहीं रहे वैसे आपके पर्सन को लगता है, और आपको पहले जैसे बनाना करंट में पॉसिबल भी नहीं है,
करंट में पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन के प्यार ने आपको कंप्लीट बदल दिया है, आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि आप पहले ऐसे पर्सन थे जो क्योंकि आप पहले ऐसे पर्सन थे जो क्योंकि आप पहले सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचते थे, उनकी खुशी के बारे में सोचते थे, उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। लेकिन करंट में आपके पर्सन को ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशी देख रहे हो, आपको क्या अच्छा लगता है वो देख रहे हो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या तो आपका कोई बच्चा है और आपके पर्सन आपको उस बच्चे की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि या तो डिवोर्सी है या तो आपका मतलब होता है ना दो आपका पार्टनर का या तो डेथ हो चुका है, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो और जो रीज़न है आपके पर्सन के पास आपको मना करने का, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको मना नहीं करना चाहते। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपके लिए स्टैंड लेके खड़े हैं अपने घर वालों के सामने, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है, ठीक है। आपको जो कि मतलब होता है ना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बहुत 1-2 साल हो चुके, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ऊपर से आपसे नज़रें चुरा रहा है, दूर दूर रह रहा है, चैटिंग वैटिंग नहीं, रिप्लाई भी नहीं, मैसेज देखता है तो मतलब 2-2 3-3 दिन तक आपको रिप्लाई नहीं करता है। तो ऐसी एनर्जी से आपको जो कि खुद की ही मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ऐसा फील होने लगा है कि ये पर्सन आपको जानबूझकर ये पर्सन आपकी इंसल्ट करते हैं, ये जैसे कि चाहते हैं कि आप इनके कदमों में जाके गिरो, गिड़गिड़ाओ, रो इनके सामने। और ऐसी एनर्जी से आपको सख्त नफरत है, आपको नहीं अच्छा लगता है किसी के सामने गिड़गिड़ाना, क्योंकि आप पहले से ही बहुत कॉन्फिडेंट हो, पहले से ही आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, आप जिद्दी भी बहुत ज़्यादा हो। और आपको अगर कोई ऐसा कहते हो, अगर आपको कहीं पे भी ऐसी बात हो जाती है जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बनाती है, तो आप अपनी रिस्पेक्ट को पहले वैल्यू दोगे, भले बाद में आपका कितना भी बड़ा नुकसान होने वाला है या आपको रियलाइज हो जाए, लेकिन आप किसी के सामने झुकने वाले पर्सन नहीं हो। तो क्यों आपको अपने प्यार के सामने झुकना पड़ रहा है? आपके पर्सन आपको झुकाना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको अपनी बातों से जैसे कि वो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आपको बिहेवियर करना होगा, और अगर आप वैसा बिहेवियर करते हो ना तो ही आप इस रिश्ते में आपके पर्सन के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी है कि आपके पर्सन जो भी करंट में कह रहे हैं वो थोड़ा बहुत आपको एटीट्यूड में बताते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो आपको मनाते भी नहीं हैं, और जो कि दिखाते भी नहीं है कि इनको आपकी कितनी ज़रूरत है, आपको इजीली छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं बात करना है तो मत करिए, पूछते भी नहीं है। या आपको जैसे कि आप इनके लिए मन्नतें करते रहते हो इनको मनाने के लिए, आपको जो डर लगता है नहीं यार ये गुस्सा हो जाएगा, इसको बुरा लगेगा, आप जैसे सोचते हो और आप सोच समझ कर इनसे बातें करते हो, लेकिन आपके पर्सन ऐसा नहीं करते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको फ़र्क पड़ता है लेकिन ये दिखाते ऐसे है कि इनको आपकी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको पता है कुछ ही टाइम हो जाएगा, 2-4 घंटे चले जाएंगे और आपका टेक्स्ट मैसेज चालू हो जाएगा, बड़े बड़े लेक्चर्स आपके चालू हो जाएंगे, इमोशंस आपका रोना धोना मैसेजेस में स्टार्ट हो जाएगा, भले आपके पर्सन आपका कॉल पिक करे या ना करे, आप रुकने वाले नहीं हो, आपकी ज़बान रुकने वाली नहीं है, आपके हाथ रुकने वाले नहीं हैं, और आप जो कि पागलों की तरह इनको मैसेजेस टाइप करना स्टार्ट कर देते हो, आपके पर्सन ने आपकी ये मतलब अच्छे से आपको पहचान लिया है कि आपको अपने इशारों पे कैसे नचाना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, आपसे आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो इसकी वजह सिर्फ आप हो, आप ही ने अपने हालात ऐसे बना कर रखे हैं, ठीक है। आपने अपने आप को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करा दिया है, और आपके पर्सन को ये एनर्जी से सब नफरत है, इनको नहीं अच्छा लगता है कि कोई इतना अपने जान के लिए मतलब कोई इतना किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, ठीक है। इस पर्सन को आपसे प्यार चाहिए, आपसे वैल्यू चाहिए, लेकिन ये आपको कभी भी अपने ऊपर डिपेंडेबल रखना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर सच में आपका शादी नहीं होता है तो ये पर्सन तो इजीली मूव ऑन कर जाएंगे ऐसा इनको लगता है, लेकिन आप नहीं मूव ऑन करोगे, आप इनको तकलीफ दोगे, आप इनका पीछा करोगे, आप इनको मैसेजेस करते रहोगे, आप इनकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने का ट्राई करते रहोगे, हो सकता है कि आप होता है ना इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में कुछ गलत करने की कोशिश करोगे, तो इनको इस एनर्जी से नफरत है। पहले तो ये आपके लिए 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर इनके एफर्ट्स काम नहीं करते हैं तो उसके बाद ये पर्सन चाहते हैं ये इस तरह से सोचते हैं कि आप इजीली मूव ऑन हो जाओ,
आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील करो। आप कॉन्फिडेंट तो वैसे बहुत हो, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो आपका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। इस वजह से पर्सन जो कि आपसे दूरियां बनाते हैं, ठीक है। यस, ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात, अगर तेरा ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगा। अगर तू नहीं चाहते रिश्ते में रहना, कोई बात नहीं, मत आ। तुझे तेरी ज़िंदगी जीनी है, तुझे अपने करियर पर फोकस करना ही कर, मैं तुझे रोकने के लिए नहीं आऊँगा। ताकि तू मुझे कभी भी ये ना बोल सके कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ की कुर्बानी दी है। ये पर्सन इस तरह के माइंडसेट में करंट पे है, ठीक है। अगर इनको अपने यहाँ पे क्लियरली मैं बता सकती हूँ, अगर इनके घर वालों ने आपको हाँ बोल दिया, ये पर्सन तुरंत आपसे शादी कर लेंगे। इनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है अपने घर वालों को मनाने के लिए, और हो सकता है कि वही टाइम ये पर्सन आपसे मांग रहे हैं और इसका आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारी बातें आपसे हाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, बताना ही नहीं चाहते। इनको लगता है कि आपको कुछ भी बताकर फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हो कैंडल मेरे हाथ से गिर गई। ये चाहते हैं कि आप ना तो इनकी ज़िंदगी में दखलंदाजी करो, ना इनके घर में क्या चल रहा है ये इनको पूछो, ना थर्ड पार्टी के बारे में पूछो, ना ही इनके माँ बाप के बारे में पूछो। आपको सिर्फ इनसे मतलब रखना है, ये जो कह रहे वो सुनना है, उनके जैसे 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 स्टेप्स लेने को बोलेंगे आपको वैसे स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। आपको इनके ज़िंदगी में दखलंदाजी कर, जितना आप दखलंदाजी करोगे उतना ये पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे। इनका माइंडसेट ऐसा है, ये चाहते हैं कि आप अपने आप को फ्री रखो, आप खुद के लाइफ पे फोकस करो, खुद की ज़िंदगी जियो जैसे ये पर्सन जीते हैं। ये नहीं आपके लिए रोते मरते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक दिन अगर ये आपसे बात नहीं करते हैं तो। जितना आपको रोना आता है, जितना आपको परेशानी होती है अगर ये आपको रिप्लाई नहीं करते हैं तो, लेकिन इनको रिप्लाई, इनको ये ध्यान में भी नहीं आता है कि इन्होंने आपका कोई मैसेज देखा है और उसका रिप्लाई नहीं किया है। ये देखकर मतलब भूल भी जाते हैं और खुश हो जाते हैं, बस इनको आपके एनर्जीज पता चल जाती है और ये विजुअलाइज कर लेते हैं कि आपका फेस कैसा होगा और करंट में आप कैसे दिख रहे होंगे। बस इनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये आपके सिर्फ मैसेज को पढ़कर आपको विजुअलाइज करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं, भले वो मैसेज रोने धोने वाला हो या खुश हो। इनको ज़रूरी नहीं लगता आपको रिप्लाई करना, इसलिए मैंने बोला इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपसे एक दिन बोले, दो दिन बोले या 10 दिन ना बात करें, लेकिन आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। इस वजह से ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने आप को फ्री करने की, ठीक है। फ्री करो और खुद की ज़िंदगी पर फोकस रहो, तभी ये पर्सन आएंगे आपके पास। ऐसा नहीं है ये आपको करंट में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, आपके लिए पागल है आपके लिए, लेकिन ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की मर्जी से ही आपको स्वीकार करेंगे, ठीक है। इनकी कंडीशन ऐसी ही है स्टार्टिंग से भी, कभी भी इनको ऐसा नहीं लगता था कि ये आपको छोड़ेंगे। इनका माइंडसेट ऐसे ही था कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं और आपको कभी भी चीट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे ऑब्स्टेकल्स बढ़ते गए, जैसे जैसे इनकी फैमिली ने आपको पसंद करने से मना कर दिया, इस पर्सन के जबान से अगर आपका नाम भी निकलता है तो इनके घर वालों को जो गुस्सा आता है उस एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन का माइंड जो कि आपको लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूज होने लगा है, ठीक है। तो आपको करंट में ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करने की और अपने आप में फोकस रहने की और पॉजिटिव रहने की, ठीक है, जिससे कि इस पर्सन को कॉन्फिडेंस आ जाए आपके पास आने का, ठीक है। आप इनको इरिटेट मत करो, आप इनको ढेर सारे सवाल पूछकर परेशान मत करो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको एकदम रिलैक्स और फ्री छोड़ो और आप खुद भी रिलैक्स और फ्री रहो, जिसकी वजह से कि आप दोनों का कनेक्शन मतलब कि जैसे चाहिए वैसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि करंट में सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप दोनों थोड़ा बहुत भी बातें करना स्टार्ट कर देते हो, बस 5 मिनट के बाद ही आप दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पर्सन इन नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो करंट में क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है और कहाँ हमारी गलती हो रही है। ये इस तरह के एनर्जीज में आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है और आप इतना कैसे बदल सकते हो और आप इनको लेके इतना नेगेटिव कैसे सोच सकते हो, ठीक है। आपके माइंड में करंट में आपके पर्सन को लेके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज है और गुस्सा है, जिस वजह से ये पर्सन चाहकर भी आपके पास आते नहीं हैं। बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, लेकिन ये मैं बोल सकती हूँ कि आपको चेंज करना चाहते हैं, आपको सुधारना चाहते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपके अंदर क्या बिगड़ा है जो इस पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर सुधारना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हार्ट्स बने हैं, हार्ट्स का मतलब ही ये है कि इस रिश्ते में बहुत प्यार है और ये पर्सन
आपको लेके पॉजिटिव भी है, सच्चे दिल से प्यार करते हैं आपको, आई लव यू कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि आप इनके दिल में रहते हो, इनके दिल में आपके अलावा कभी किसी और को जगह मिल ही नहीं सकती। ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आज ही इनका कुछ कॉल मैसेज आ जाए, आपको मिलने के लिए बुलाएं, ठीक है। और अगर आज नहीं आता है तो 24 घंटों के अंदर आ जाएगा। ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव है, कुछ गिफ्ट भी इन्होंने आपके लिए प्लान किया है, ठीक है, देने वाले आपको। तो आपको करंट में जो भी ये बात कर रहे हैं इनके ऊपर भरोसा करो, और नाराज़गी मत दिखाओ, ठीक है। गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से वाली एनर्जी से ये पर्सन भागने लगते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, इनको गुस्सा अच्छा ही नहीं लगता है। इनके घर में भी अगर इनसे कोई गुस्से से बात करता है ना, ये पर्सन उनकी शक्ल को देखते भी नहीं है। तो इनका दिल ऐसा ही करता है, जब आप इनसे गुस्से से या चिल्ला के बात करते हो ना, इस पर्सन का दिल करता है कि आपका शक्ल देखना ही नहीं चाहिए, भाग जाना चाहिए कहीं और, इसको सबक ही सिखाना चाहिए। इस वजह से ये पर्सन हमेशा आपको सबक सिखाते रहते हैं, ठीक है। तो आपने आपको थोड़ा बहुत चेंज कर लो, ये पर्सन तो आएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है, आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। भले ही बोले या ना बोले, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करता है, और 100% इस रिश्ते में आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाएगा, ठीक है। आपके पर्सन टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ का मकर राशि एरीज लियो सैजिटेरियस मेषिंग धनु राशि के हो सकते हैं। नंबर 2, 3, 4, 14, 24, 28, 8, 9, 19, 10, 20, 30 आपके पर्सन के बर्थडेट में हो सकते हैं। यहाँ पे CADLSTUWVMOAB आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।